ये है हमारी रेसिपी की कुछ चीज़ें। कुछ वुडन पीसेस है, एक एक्सो ब्लेड है और एक फेविकॉल, साथ में एक पेन। बस इतनी चीज़ों में मतलब आप एक केस तो बना ही सकते हो। उसके बाद जो मेन बोर्ड हम इधर यूज़ करने वाले हैं वो है लाटे पैंडा अल्फ़ा। अभी एक काफ़ी पावरफुल बोर्ड है अगर हम इसकी साइज़ रेंज और प्राइस रेंज में देखें तो। अब इस बोर्ड में हमें 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, M3 का CPU है और साथ में हमें इंटेल HD की ग्राफिक मिलती है 615, उसके अलावा 8 GB रैम, तो काफ़ी कैपेबल मशीन है। अब ये PUBG PC Lite जैसे गेम्स को काफ़ी आसानी से चला सकता है। और इस बोर्ड में हमें M.2 के दो स्लॉट्स मिलते हैं जिस पर कि आप अपनी SSD लगा सकते हो M.2 वाली, तो वो एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन हमें इधर देखने मिल रहा है। अब मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं एक कैबिनेट बनाने के हिसाब से, तो अब हमारे पास बस ये एक लंबी सी स्टिक है। तो सबसे पहला तो अभी हम इसे क्लैम्प करके ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। साइज़ वैसे मैंने ले ली है तो उसके हिसाब से हम कट कर रहे हैं इधर। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कट करके एक बॉक्स शेप सा इधर कुछ बनाया है, और ये जो होगा हमारा मेन बेस होगा जिस पर कि हमारा पूरा कैबिनेट बेस्ड होगा। सो अभी हम इसके साइड को कवर करने के लिए पीसेस काट लेते हैं। तो उसके लिए हमें 4 पीस लगेगी, चारों कोने में एक एक पीस जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर अब बनेगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो इधर अपने पास वही सस्ता सा फेविकॉल है जो मैंने पता नहीं कितने साल पहले खरीदा था, शायद से 5 साल पहले आई थिंक। हाँ वही यूज़ करने वाला हूँ, तो वो हमें इधर काम में आएगा। तो अभी हम इधर फेविकॉल लगा लेते हैं, पहले इसकी एक साइड को कवर करेंगे। और इसको चिपकाने से पहले हम एक बार इसको फाइन कर लेते हैं ताकि जो इसको स्टिक होने के लिए एक अच्छी जगह मिले जहाँ पर हमारा फेविकॉल अच्छे से बैठ जाए। सो नाउ एज यू कैन सी द बॉक्स इज कम्प्लीटेड, काफ़ी सही दिख रहा है। अब मुझे इसे सिक्योर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मेरे पास एक जुगाड़ है, ये जो आप रबर देख रहे हो ये मैंने लगाया ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी जगह से इसको पुश करे और एक अच्छे से हमारा जो है वो अच्छे से ग्लू चिपक जाए इसके ऊपर। सो जब तक वो सूख रहा है हम इसको और थोड़ा स्ट्रेंथ दे देते हैं बाकी जगह पर फेविकॉल लगा करके। सो एज यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटेड और काफ़ी सही तरीके से जो है हमारा ग्लू चिपक गया है। अब जैसा कि आप इधर देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो और पीसेस फ्रंट के साइड पे इसके अटैच किए हैं ताकि थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ जाए इस केस में। एंड डेफिनेटली थोड़ी फाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज हमने इधर फेविकॉल से चिपकाया, कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, तो उसके हिसाब से हमें काफ़ी सारी फाइनिंग इसमें करनी पड़ेगी, तो फाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनिंग हो चुकी है तो बढ़ते हैं हमारे आगे के प्रोसेस पर जो कि है हमारी फिटिंग्स चेक करना एक्चुअली। तो ये है हमारा बोर्ड और ये इसमें बैठ रहा तो है लेकिन हमें इसके लिए होल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो इधर इधर हमें सारी जो है चीज़ों को अच्छे से मेजर करके लेना है। तो इधर मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि हम इधर लाइन्स वगैरह बनाएंगे और उसके हिसाब से जो हम आगे कट करेंगे इसे। अब मैं इधर बाहर से भी लाइनिंग ले रहा हूँ ताकि मुझे मेजरमेंट रहे कि मैं एक्चुअली कहाँ पर जो है अपना पीस लगाने वाला हूँ, तो मेरे जो होल्स है वो परफेक्टली मेरे बोर्ड के साथ में बैठ जाएं। सो अब होल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारा ट्रस्टी ड्रिमल टूल। भाई लिया था तब से मैं इसे काफ़ी सारी जगहों पर यूज़ कर चुका हूँ और बहुत हैंडी चीज़ है भाई। अब प्लान इधर मेरा ये है कि एक सिंगल होल जो है वो किया जाए पहले, उसके बाद में उस होल को जो है हम फिर बढ़ाएंगे आगे की तरफ। सो ये कुछ इस तरीके से करेंगे हम।
तो जैसे कि आप देख सकते हो होल्स वगैरह जो है वो हो चुके हैं और थोड़े बहुत मेरे फाइनिंग चालू है अभी, तो इसे थोड़ा फाइन कर लेता हूँ। अब ये एक बर्नर है और हमारा जो केस है वो पूरा वुड का है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स निकलते हैं हम उससे इसे साफ करेंगे। सो अब कैबिनेट तो रेडी हो गया है, होल्स रेडी हो गए हैं। सो बारी आती है मदरबोर्ड की फिटिंग को फिट करने की। अब मुझे लाटे पेंडा अल्फा के साथ में कुछ प्लास्टिक के स्टैंड ऑफ मिले थे, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो उसके लिए हम इधर एक ग्लू लगा कर के इसको पीछे से, मैं एकदम जुगाड़ वाला काम कर रहा हूँ इधर, लेकिन मैं इसे बाद में और स्ट्रॉन्ग करूँगा, अभी फिलहाल जुगाड़ वाला काम चालू है इधर। तो मैं इसके सारे के सारे स्टैंड ऑफ के नीचे फेंक, यहाँ पर मेरा इनिशियल आइडिया जो है वो स्टिकर्स जो है लगाना है इसके अंदर, तो उसके हिसाब से मैं इधर मेजरमेंट ले रहा हूँ। अब इधर मैं इधर इसे क्लैम कर रहा हूँ ताकि हम इसे होल कर ले अच्छे से एकदम कोई दिक्कत के बिना। सो मेरा आइडिया इधर वही है, सेम पुराना वाला, हमें बस एक होल करना है, फिर बाद में उसे कंटिन्यू करेंगे एक्सो ब्लेड के साथ में या फिर कोई और चीज़ के साथ में। तो इधर हमारा एक होल हो चुका है, उसके साथ में हम थोड़ा और उसे होल को बड़ा करेंगे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो हमारा होल हो चुका है और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक्सो ब्लेड के साथ, जो कि एक काफी क्लीन कटिंग लुक हमें देगा। सो ये देखो अब हमारा कट जो है वो हो चुका है एंड इट कम आउट रियली गुड। एक्चुअली जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अब बारी आती है थोड़ा इसको क्रिएटिव बनाने की या इसको और अच्छा दिखाने की। सो उसके लिए इधर हम यूज़ करने वाले हैं वाइनल रैपिंग। अब मैंने वाइनल रैप मंगा रखी है कार्बन फाइबर ब्लैक कलर में, तो वो हम इधर यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लुक जो है वो दे देगा। तो मैंने छोटी सी वाइनल रैप की पीस काटी है, अब मैं इधर मेजरमेंट जो है वो ले रहा हूँ। मेजरमेंट लेने के बाद इसे कट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे फिर फटाफट से लगा लेंगे।
सो अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा जो कैबिनेट है हमारा वो तैयार कर लिया है वाइनल रैप कर करके, और उसके साथ में मैंने इसका PSU श्राउड पर भी वाइनल रैप कर दिया है एंड इट्स लुकिंग प्रीटी गुड एक्चुअली। आप जैसे कि देख ही सकते हो बहुत अच्छा लुक जो है हमें इधर मिल जा रहा है। अब बारी आती है हमारे होल्स को काटने की, तो इधर मैं एयर ब्लोअर थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो होल्स है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए और जिसको फिर हम आराम से कट करके उसे आराम से चिपका दें। सो ये है हमारा लगभग फिनिश प्रोडक्ट, लगभग हाँ पूरा नहीं हुआ क्योंकि फ्रंट पैनल अभी भी बाकी है जिससे हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सो मेरा इनिशियल आइडिया तो इधर ये था कि मैं इधर कोई प्लास्टिक की छोटी सी सी प्लास्टिक की कोई चीज़ लेकर के इसके ऊपर चिपका लूँ। अब इधर SSD कवर है मेरे पास में पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा वही लगा लेता हूँ, लेकिन वो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि वो इतना स्टडी नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्रेलिक शीट जो है बाई करी और उसको फिर मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया, लेकिन एक्रेलिक शीट जो है हमारी उसको पहले चिपकाने से पहले हमें इसके ऊपर वाइनल रैपिंग करनी पड़ेगी। अब वाइनल रैपिंग जो है हमें एकदम हिसाब से करनी पड़ेगी, और प्लस मेरा आइडिया इधर ये है कि मुझे जो डोर चाहिए वो मैग्नेटिक चाहिए, मतलब कि मुझे खुलने वाला डोर चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है मैं अपना जो लाटे पैंडा अल्फा उसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, एक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर रुकना नहीं चाहता। तो वो एक चीज़ है जो मैं एक्चुअली इसके साथ में करना चाहता हूँ, और वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम इस कैबिनेट को आसानी से खोल और बंद कर सकें, और हमेशा मतलब हमारा जो मदरबोर्ड है वो इसके अंदर ही रहेगा, बट जब हमें किसी और चीज़ में यूज़ करना होगा तो हम उसे और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ मैग्नेट्स भी मंगाए थे, अब इसके चारों कोने में जो है हम इसको फिट करेंगे ताकि एक हमारा मैग्नेट का वाला डोर कुछ सिस्टम बन जाए इधर। सो मेरा आइडिया इधर ये है कि ड्रिल मशीन से चार होल किए जाए चारों कोने के आसपास में लगभग, और वही होल के अंदर हम हमारे मैग्नेट को फिट कर दें अंदर भी और बाहर भी, सो एक स्ट्रॉन्ग और स्टडी जो है हमारा बन जाएगा उससे। तो जैसा कि आप देख सकते हो इधर हमने वाइनल रैपिंग जो है बाहर की तरफ कर ली है। अब होल तो मैंने मैग्नेट के लिए कर ही लिए थे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इधर देख सकते हो मैंने बस थोड़ा सा रखा हूँ, लेकिन अब बारी आती है इसको एग्जैक्टली चिपकाने की। तो मैं इधर फेविकॉल फिर से यूज़ करने वाला हूँ, अब पता नहीं फेविकॉल कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर मैं फ्यूचर में चाहूँ तो मैं इस पर फेविकॉल भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं हाथों में, तो फिर अपन फेविकॉल से काम चला लेते, क्या बोलते हो। सो अब हमारा जो डोर हिंज है वो लगभग हो चुका है कंप्लीट। सो अब बारी आती है हमारी एक्रेलिक की मेन शीट जो हमने काटी थी उसको चिपकाने की, तो उसके लिए भी हम फेविकॉल और साथ में बाद में थोड़ा सा फेविक्विक यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब इधर मैं इधर फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी और जो स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए और केस काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब सेटल रहे, और मैं इधर इसके साइड पैनल जो एक्रेलिक शीट लगाई थी हमने उस पर भी फेविक्विक लगा रहा हूँ ताकि जो उसकी भी स्टर्डीनेस है वो काफ़ी बरकरार रहे। अब जो हमारा केस है लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक दिक्कत अभी भी बाकी है कि केस जो है वो सिक्योर नहीं है नीचे से एक्चुअली, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कुछ स्टैंड ऑफ जो कि मैंने पता नहीं कहाँ से लिए थे, हमने संभाल के रखे थे बहुत टाइम से, तो अब इसका इस्तेमाल हम इधर ही करने वाले हैं। तो मैं इसके चारों जो है इसकी लेग्स बनाऊंगा इससे ताकि ये काफ़ी सिक्योर स्टडी एक स्ट्रक्चर में खड़ा रहे। सो इट्स लुकिंग प्रीटी गुड एंड सेक्सी एक्चुअली, बट अभी भी काफ़ी अधूरा अधूरापन लग रहा है। सो अब आती है बारी स्टिकरिंग की, तो स्टिकरिंग के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कुछ असूस के स्टिकर्स जो कि असूस ने प्रोवाइड किए थे, एक बार हम गए थे उनके शो पे तो तब दिए था असूस ने, तो वही यूज़ करने वाले हैं। तो इधर रोक का एक लगा लेता हूँ, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड, और अंदर की तरफ सोच रहा हूँ एक गेम ऑन करके लगा लूँ, ये अच्छा स्टिकर है इधर जो कि एक्रेलिक से बहुत अच्छा लुक देगा, एक्रेलिक पैनल से अच्छा दिखेगा भी और काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा बन चुका है केस, एंड इट्स फिलिंग द गैप एवरी गैप एक्चुअली जो कि होने चाहिए एक PC बिल्ड में, एंड इट्स लुकिंग रियली लाइक अ बिग PC बिल्ड। अब ऐसा है कि मैंने जो सोच रखा था मेरा प्लान जैसा था कि मुझे एक ऐसा PC बिल्ड करना है जो कि एक्चुअली मेरे PC जैसा दिखता हो, मेरा PC जैसा दिखता है एक्चुअली वैसा दिखता हो, मतलब नॉर्मल जो हमारे PC होते बड़े वाले वैसा PC दिखता हो, क्योंकि आपने जितने भी आज तक केस देखे होंगे मार्केट में कोई भी PC को रिजेंबलेंस नहीं देता है, ना रसबेरी पाई का कोई भी केस है जो नॉर्मल PC केस जैसा दिखे, और ना ही क्योंकि मैंने कोई भी फाइंड आउट नहीं किया आज तक केस जो एक्चुअली में एक PC जैसा दिखता हो। सो मेरा आइडिया एक्चुअली काफ़ी यूनिक है भाई, उसके लिए तो अप्रिशिएट करो यार, उसके लिए लाइक मांगता है भाई।
काफ़ी यूनिक आइडिया थी वैसे, और बहुत अच्छी तरीके से केस बनकर भी निकला है, एंड डेफिनेटली लाइकिंग इट वेरी मच। सच्ची बात आप देखो जैसे कि एक प्योर जो ऐसा हमारा पीसी होता है नॉर्मली वैसा ही दिख रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लग रही है इसमें। अब पीसी तो रेडी हो गया, बट ये क्या काम करता भी है क्या नहीं करता है, तो उसके लिए हम थोड़ा इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब ये मॉनिटर भी मैंने खुद ही बनाया था, आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप चेक कर लेना, मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा। तो अब पावर ऑन तो कर दिया मैंने जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन अभी इसे ऑन करने के लिए मैंने इसमें बटन फिट नहीं किया। इनिशियल आइडिया में मैंने सोचा था कि इसमें बटन भी फिट करूंगा। अब इनिशियल आइडिया में मेरे पास दो और चीज़ें थी, जैसे कि मुझे इसमें LED फिट करना था और एक बटन फिट करना था। वो दोनों चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उतना छोटा बटन मेरे को मिला नहीं। और LED के लिए अब मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन बस थोड़ा आलसपन आ गया बदन में, इसकी वजह से नहीं किया। और वीडियो भी मतलब जल्दी जल्दी निकालना था, तो उसके चक्कर में मैंने फटाफट से जो है अपना वीडियो बना लिया। बट फिर भी जैसा कि आप देख सकते हो इधर, अभी हम PC ऑन कर लेते हैं एंड इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। बहुत अच्छा जो है हमारे पास इधर PC बिल्ड बन चुका है, और एक्चुअली मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ गेमिंग ऑन द स्मॉलेस्ट PC इन द वर्ल्ड। और डेफिनेटली एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास पूरा का पूरा अखा सिस्टम है, जो कि पूरा PC जैसा दिख भी रहा है और काम भी फुल विंडोज 10 वाला कर रहा है, तो यार क्या दिक्कत है। और मैं थोड़े दिन में शायद से इसमें ग्राफिक कार्ड भी ऐड करके चेक करूं, और टैबलेट भी बनाने वाला हूँ टैबलेट के लिए। लेकिन मेरे को लगता है 3D प्रिंटर होता तो थोड़ा मज़ा आ जाता, लेकिन गरीब के पास 3D प्रिंटर है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो टैबलेट का आइडिया शायद थोड़े दिन तक ड्रॉप रहेगा, जब तक मेरे हाथों में कोई 3D प्रिंटर नहीं लगता है तब तक। 3D प्रिंटर जैसे ही मेरे हाथ में लगता है, क्योंकि मेरे को चीप आउट नहीं करना है, अगर मैं टैबलेट बनाऊंगा इसका तो मैं बहुत ही सही ढंग से बनाऊंगा उसको। अब आप लोग ने मेरे चैनल पर जितने भी काम देखे होंगे, मैं लगभग फिनिशिंग के साथ करता हूँ, एकदम मज़ा आती है, मस्त वाला काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है अपना काम जो है पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। लेकिन यार इधर दो चीज़ें हैं जिसका मुझे दुख है, एक बटन नहीं डाला और एक LED नहीं फिट किया, तो यार वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन अगर होती ना भाई, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो लुक क्रिएट इसमें बन जाता था। मैंने असल में जो अपना PSU श्राउड है, मेरा इनिशियल आइडिया वही था कि वहाँ से कुछ किया जाए वायरिंग शायरिंग, और एक प्रॉपर जो है हमारा ये किया जाए, लाइटिंग सिस्टम किया जाए और बटन सिस्टम किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। आलसी आदमी हूँ ना, काम आधे से आधे तो अपने हो नहीं पाते, वीडियोस भी नहीं डाल पाता, तो पता नहीं क्या करता हूँ दिन भर, बस ऐ वही घूमते रहता हूँ। नहीं यार भाई, घूमता नहीं हूँ, काम पर जाता हूँ तो यार टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यार अगर आप लोगों को PC पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी है जैसा भी है PC अपना है, समझ रहे हो, खुद से बनाया हुआ है, तो बहुत लाइक करता हूँ। मेरा डिस्प्ले भी खुद से बनाया है, मेरा PC भी खुद से बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी पसंद है। अब आप लोगों के क्या ओपिनियन है मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करते हैं, अब बस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।